अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम राशिद है और आज हमने पाई चार्ट के बारे में पढ़ना है कि पाई चार्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं। पाई चार्ट को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने डाटा को चेक कर पाएँ कि उसकी हर फीचर की जो है हर जो भी पर्सन है उसमें इन्वॉल्व है या जो भी फैक्टर है उसकी कितनी परसेंटेज है टोटल की। तो यहाँ पर आते हैं हम अपने इस डाटा से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो टोटल सेल्स है वो 25,500 है और राशिद की सेल 10,000, नवीद की 8,000, इस तरह से बाकी सेल्स हैं। ठीक है, अब मैंने जो पाई चार्ट है वो मुझे ये बताएगा कि राशिद की सेल 25,500 जो टोटल सेल है उसका कितने परसेंटेज है, उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है, इस चीज़ को शो करती है। सबसे पहले मैं डाटा को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। डाटा को सिलेक्ट करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो डाटा आपने सेलेक्ट किया है डाटा आपका ये वाला है और ये उसकी हेडिंग्स भी कुछ होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ का जो आपने ख्याल रखना है, जो टोटल है उसको आपने इसमें ऐड नहीं करना। ठीक है, जब आपने एरिया को सिलेक्ट करना, रेंज को सिलेक्ट करना, इंसर्ट में आऊँगा मैं, यहाँ पे ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे मैं 3D पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ये पाई चार्ट है, यहाँ से मैं इसको क्लिक कर दूँगा, ये पाई चार्ट यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद मैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राशिद है वो ब्लू कलर में उसका एरिया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया है। नवीद का ये वाले कलर में है। अगर मैं किसी एरिया का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो उसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, ये विंडो पॉपअप होगी। उसके बाद मैं जाऊँगा ये वाली ऑप्शन में, ठीक है, फिल पे आऊँगा, सॉलिड फिल करूँगा और यहाँ से मैं कोई भी कलर चेंज कर लूँगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला कलर कर दूँ। ठीक है, ये सारे का इसलिए चेंज हो गया है क्योंकि मैंने सबको सेलेक्ट कर दिया था। ठीक है, अब मैं आता हूँ, मैं जस्ट इसको डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद इसको सॉलिड करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कोई भी कलर अगर करेंगे तो वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैं वैसे ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप किसी एक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर चाहें तो अगर इसको कंट्रोल की से ड्रैग करेंगे, कंट्रोल की से नहीं, राइट क्लिक, जो माउस की लेफ़्ट क्लिक है उसे ड्रैग करके इसे थोड़ा पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप इसको यूँ एक दूसरे से दूर भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता। ठीक है, आप इसको इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं अकेले को। ठीक है, उसके बाद मज़ीद इस पे बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि अब मैं जो है यहाँ पे परसेंटेज की सूरत में बता दूं कि ये कितने परसेंटेज का है, ये कितनी परसेंटेज इसमें, इसकी कितनी परसेंटेज, इसकी कितनी परसेंटेज। उसके लिए मैं यहाँ पे प्लस के साइन पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं जाके डाटा लेबल्स करूँगा। ठीक है जी, और ये डाटा लेबल इसलिए इस पे आया है क्योंकि मैंने इसको डबल किया। मैं पूरे चार्ट को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें, ये सब के ऊपर आ जाएगा डाटा लेबल। ठीक है, उसके बाद मैं डाटा लेबल पर डबल क्लिक करूँगा और ये वाली विंडो यहाँ से पॉपअप होगी। मैं यहाँ पर फाइल में जाऊंगा, यहाँ से सॉलिड फिल करूंगा। ठीक है, अब आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। मैं यहाँ से इसका कलर कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ। ठीक है, और इसने इसका कलर जो है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, इसका जो एक बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर दिया है, और किसी बात करने वाली नहीं है। इसके अलावा अब मैं आपको इसके ऊपर ही बता देता हूँ कि इसमें इसको डबल क्लिक किया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाऊंगा ये वाली ऑप्शन में, यहाँ से मैं जाऊंगा लेबल ऑप्शन में। ठीक है, लेबल ऑप्शन में मैं जाऊंगा तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये वैल्यू चेक है कि मैं ये वैल्यू को अनचेक कर रहा हूँ और यहाँ से जो परसेंटेज है उसे चेक कर रहा हूँ। तो अब ये इनकी परसेंटेजेस आ गई हैं कि ये इतनी परसेंटेज में, ये इतनी परसेंटेज में, ये इतनी परसेंटेज में। ठीक है, इस तरह से आप इसको परसेंटेज में भी ला सकते हैं। यहाँ से आप क्या चेंजिंग कर सकते हैं ये आपने खुद खेलना है। मेरा जो ट्यूटोरियल नंबर 11 है उसके अंदर मैंने बड़े डिटेल से बताया है कि ये चीज़ों को हमने किस तरह से यूज़ करना है, ये फिल्टर को किस तरह से यूज़ करना है और इन सब चीज़ों को किस तरह से यूज़ करना है। उसके बाद मैं इसमें मज़ीद बताता चलूँ कि अगर देखें यहाँ पे ताहिर है, इसकी अगर सेल मैं कर देता हूँ, फ़र्ज करें 500 कर देता हूँ और इसकी सेल मैं कर देता हूँ 300। ठीक है, इस सूरत में पाई चार्ट में अगर यहाँ पे सेल्स बहुत कम हो, ठीक है, कुछ पर्सन्स की, तो अब देखें ये इतना सा यहाँ पे शो हो रहा है, इतना सा शो हो रहा है। हो सकता है कि इन्होंने बड़ी जो हमारी प्रीशियस प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल आउट किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं इनको यहाँ पे दिखाऊँ, ये तो बहुत कम नज़र आ रहे हैं या ना होने के बराबर नज़र आए, तो इस सूरत में फिर मैं इसे यहाँ से डिलीट करूँगा, अपने डाटा को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। डाटा को सेलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट में आ जाऊँगा, इंसर्ट में आने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा और पाई टू पाई, पाई टू पाई, पाई टू पाई, पाई ऑफ पाई, नॉट
पाई टू पाई नहीं, पाई ऑफ पाई, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा और ये जो नीचे वाले दो आपको साजिद और ताहिर नज़र आ रहे हैं, ये नीचे वाले दो डिफ़ॉल्ट तौर पे यहाँ पे देखें वो यहाँ पे बन गए हैं, उनका जो पाई चार्ट है वो अलग से बन गया है। ये डिफ़ॉल्ट इसकी जो काउंटिंग है वो टू होती है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ये मैंने बताया हुआ है ट्यूटोरियल नंबर 11 में किस तरह से करना है। अब मैं आता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे मेरा जो यहाँ पे तीसरा नेम है उसकी सेल भी बहुत कम है, उसकी सेल 200 है, तो इस सूरत में फिर यहाँ पे तो ये सिर्फ दो का बताता है, तो इस सूरत में मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये वाली ऑप्शन में आ जाऊँगा। यहाँ से मैं करूँगा इस पर क्लिक, इस पर नहीं, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये यहाँ पे एक बॉक्स नज़र आया वैल्यू इन सेकंड पॉट, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ कि जी यहाँ पे तीन वैल्यू हो, तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन वैल्यूज़ आ गई हैं। ये जो येलो कलर आपको नज़र आया ये अली असगर का है, ठीक है, ये अली असगर 200 इसकी सेल है, यूनिट्स या जो भी, तो इस तरह से आप इसको 2 से 3 कर सकते हैं। इस ये हो गया पाई ऑफ पाई, ठीक है। मैं इसके अलावा पाई टू बार चार्ट भी बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा मैं, यहाँ पे आने के बाद मैं इसको क्लिक करूँगा और अब देखें यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट जो है वो टू नंबर्स ही हैं, ठीक है। ये पाई चार्ट है और ये उसका जो है पाई टू बार हो गया है, ठीक है। बार चार्ट जो होता है वो जस्ट एक सिंपल लाइन होती है, एक सिंपल सी चीज़ होती है जो हमें जो भी उसकी परफॉर्मेंस होती है उसको शो करवा रहा होता है, ठीक है। तो अब आप देखें मेरे तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं जिनकी सेल्स कम है, तो मैं अब इसको भी यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये सीरीज ऑप्शन ओपन होती है, इसको ओपन करूँगा, यहाँ पे मैं इसको 3 कर दूँगा, तो अब देखें यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा पाई चार्ट जो है हम इसको यूज़ करते हैं। पाई चार्ट का मैंने बता दिया, फ़ायदा ये है कि हम इसमें हमारे डिफरेंट जो फीचर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशंस को चेक करते हैं, और इसमें मज़ीद जो फॉर्मेटिंग मैंने नहीं की उसके लिए आपको ट्यूटोरियल नंबर 11 देखना पड़ेगा। और इसके अलावा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा फेसबुक पेज www.facebook.com/rashid1992mughal जो है इसको भी लाइक कीजिए, और मेरा डेली मोशन चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरी वीडियोस मेरे डेली मोशन चैनल से भी देख सकते हैं, देखेंगे ना आप। अच्छा, और ये जो वर्कबुक है ये आपको पता ही है, मैं अपने जो मेरा फेसबुक का पेज है मैं यहाँ वहाँ पर इसको अपलोड करता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेरा ये ट्यूटोरियल था वो पूरा हो गया, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। शुक्रिया।